बिहार के नालंदा में गहरे बोरवेल में 4 साल का मासूम गिर गया। उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पटना से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया। खेलने के दौरान 4 साल का मासूम गहरे बोरवेल में गिरा है। बच्चे की पहचान डोमन मांझी के बेटे शिवम मांझी के रूप में हुई है। शिवम के साथ खेल रहे दूसरे बच्चे ने इस घटना की जानकारी माता पिता को दी। इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना मिली। फिलहाल प्रशासन बच्चे को निकालने के प्रयास में जुटा है। बच्चे को जेसीबी से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि बोरवेल करीब 150 फीट गहरा है, लेकिन बच्चा 50 से 60 फीट पर फंस गया है। टॉर्च के माध्यम से बच्चे को देखा जा सकता है। उसके रोने की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही है। पटना से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। स्थानीय थाना की पुलिस पहले से ही मौके पर मौजूद है। इस मामले में डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि शुभम कुमार को बोरवेल से निकालने के लिए बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।